नरेंद्र मोदी SCO समिट में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना पहुंच चुके हैं, जहां पड़ोसी पाकिस्तान भी आएगा। लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान सरकार को झटका देने की तैयारी कर ली है। नीति आयोग के CEO ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की। सूत्रों ने दावा किया है कि इस बैठक में सिंधु जल समझौते की समीक्षा और दो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने पर चर्चा हुई। 30 मिनट चली इस बैठक में नीति आयोग ने मामले में दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के विकल्प की बात कही है। सूत्रों की माने तो नीति आयोग की रिपोर्ट SCO समिट में शिरकत करने अस्ताना पहुंचे PM मोदी को दी जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में बढ़े तनाव और सीमा पर लगातार सीजफायर उल्लंघन के मद्देनजर ये समीक्षा बैठक सामने आई है। मालूम हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। स्थायी सिंधु जल आयोग की आखिरी बैठक मई 2015 में हुई थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार जारी गोलीबारी और घुसपैठ की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव गहरा गया है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच वार्ता भी ठप है। इसके लिए जाधव मामले को लेकर भी दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आई है। हालांकि सिंधु जल समझौता दोनों देशों के बीच तमाम कशीदगी के बावजूद बरकरार है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।